गवर्नमेंट बस स्टैंड के पास ना चढ़ नहीं रही गाड़ियाँ, इसलिए देखो रॉन्ग साइड से सब जा रहे हैं गाड़ियाँ भाई, ऊपर चढ़ नहीं रही और जो चढ़ रही स्लाइड हो गया रही है यार। इतने बुरे हाल होते सुबह सुबह ना, यहाँ देखो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो यार इतनी सुबह सुबह मैं पता क्या कर रहा हूँ, सुबह के 6 बज रहे अभी और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं मैं कि अगर मौसम साफ हो जाए बर्फ पड़ने के बाद तो क्या होता है। माइनस में टेम्परेचर है, सब कुछ जम चुका है, ब्लैक आइस, मतलब गाड़ी के ना जिप्सी, मैं अभी जिप्सी के अंदर अपनी बीस्ट के अंदर लॉक तक नहीं खुल रहे थे, आपको पता है, आगे शीशा जम चुका है, रोड बुरे हाल से जम गया, हैंड ब्रेक मैंने डाउन रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड ब्रेक हम लोग नहीं खींचते, हैंड ब्रेक हमेशा डाउन रहती है, अदरवाइज क्या होता है पीछे के जो टायर होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, गाड़ी गियर में पत्थर लगाया हुआ है। तो गाड़ी स्टार्ट रखता हूँ, 5 मिनट में गाड़ी को स्टार्ट रखने वाला हूँ ताकि हीटर वगैरह भी चले, अच्छे से गर्म हो जाए गाड़ी, क्योंकि फ्रंट वाला जो शीशा है वो जमा हुआ है। इस टाइम पे हीटर काम आता है, जो हीटर की पाइप मैंने ऊपर शीशे को दी हुई है, ठीक है, वो इस टाइम काम आएगी, शीशा बिल्कुल साफ कर देगी। तो 5 मिनट स्टार्ट रखते हैं गाड़ी को और उसके सीन्स दिखाता हूँ आपको मैं कि मौसम साफ होने के बाद ब्लैक आइस में क्या होता है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की ब्यूटीफुल से वीडियो करते हैं शुरुआत, लेट्स गो। और बस ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं आपको ले जाऊंगा इधर उधर, दिखाऊंगा कि क्या क्या सीन होते हैं, गाड़ियां कहाँ कहाँ फंसती है सब कुछ, क्योंकि इस टाइम पे ना काफी गाड़ियां फंसी होगी, देखना आप काफी गाड़ियां फंसी होगी, तो मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। यार इतने बुरे हाल होते सुबह सुबह ना, यहाँ देखो, ये देखो शीशा भी डाउन नहीं हो रहा, शीशा भी लॉक हो गया, इवन बाहर से लॉक तक नहीं खुल रहा था, आपको पता है पीछे डिक्की से आया हुआ हूँ मैं, लॉक ही नहीं खुल रहा था बाहर से, शीशा भी पूरा जम गया, अब खुला देखो झटके से, पूरा अकड़ गया था भाई साहब, बुरे हाल। सामने अभी हीटर ऑन रखा है मैंने, लेकिन होगा नहीं इतनी जल्दी ठंडी है गाड़ी अभी। और आपको बाहर के नज़ारे दिखाऊं मैं, ये देखो, उतना पता चलेगा नहीं, लेकिन ये देखो पूरी ब्लैक आइस, पूरी ब्लैक आइस है भाई, शीशा बना हुआ है शीशा, जो ये टेम्परेचर की स्वीनेस को उठने देते हैं, और फ्यूल अप भी करना पड़ेगा, काफी नीचे चला गया। हीटर लगाने के फायदे ये देखो, ये है ना, अब काफी लोग बोलेंगे, मेरे को पता है काफी लोग सोचेंगे कि गाड़ी में तो हीटर ऑलरेडी होता है, ये वो, जो जो जिप्सी ओनर्स है ना भाई, उनको पता है गाड़ियों में हीटर ऐसे नहीं आता है भाई, जो कंपनी से आती थी ना गाड़ियां उसके अंदर आता था हीटर, लेकिन जो कंपनी के बाद ये हीटर्स आने बंद हो गए थे यार, नहीं आते थे, निकाल देते थे, पता नहीं क्या क्या सीन होते थे। तो हीटर लगाया हुआ है सामने, ऊपर शीशे को रखा है, ये देखो पूरा क्लियर कर रहा है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया था मैंने हीटर लगाने का। और ब्लैक आइस देखो सामने, ये रिस्की पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा रिस्की पॉइंट है, तो यहाँ मैं शूट नहीं करने वाला हूँ, यहाँ मैं गाड़ी उतारूंगा, अगर मेरे साथ एक और बंदा होता ना साथ में तो वो शूट कर लेता, लेकिन नहीं है, क्या कर सकते। इतनी सुबह सुबह कोई मेरी तरह पागल नहीं होगा ना, जो मतलब वीडियो बनाने के लिए अपने कंटेंट के लिए मतलब ऐसे निकलेगा, बाहर निकलना पड़ता है यार, वीडियोस भी जरूरी है यार। अभी ना मैं नीचे को जा ही रहा हूँ और ऊपर गवर्नमेंट बस स्टैंड के पास ना चढ़ नहीं रही गाड़ियाँ, इसलिए देखो रॉन्ग साइड से सब जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है, तो 4x4 वाले जो है वो रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, और पूरी ब्लैक आइस, पूरी ब्लैक आइस जमी हुई है। टेम्पो स्लाइड हो गया, आ गया था अभी नीचे, पता है, नहीं नहीं बच गया, ऊपर चढ़ रहा था, ऊपर से स्लाइड हो गया, नीचे आया, किस्मत अच्छी है इसकी, कोई नहीं था नीचे, किस्मत अच्छी है। यहाँ से ऊपर जा रहा था ये ना, ये दिख रही है आपको चढ़ाई, यहाँ से ऊपर को जा रहा था ये, और ऊपर से स्लाइड हो गया नीचे को, ये तो किस्मत अच्छी है, यहाँ कोई था नहीं, नहीं तो गया था यार। यहाँ पे फन हो चुका है स्टार्ट, हमारे लिए फन ही है, पूरी ब्लैक जमी है देखो ना, और गाड़ियाँ भाई ऊपर चढ़ नहीं रही, और जो चढ़ रही स्लाइड हो गया रही है। टेम्पो वाले ने पता क्या, नीचे से स्पीड में है, आधे रास्ते तक गया, उसने यहाँ चढ़ी नहीं और वहाँ उसने डेड ब्रेक मार दिया, टेम्पो हैवी होता है, छोटे टायर, स्लाइड हो गया है, बजाओ बच गया माला। लेकिन एक चीज है ना यहाँ नीचे है कि वो यहाँ पे काफी लोग खड़े थे, यहाँ पे भी यहाँ बस खड़ी हुई थी, कुछ हो जाता नुकसान यार। अभी ना मैं घर को जा रहा था और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी ये ना गवर्नमेंट बस स्टैंड वाली लाइन है, और बहुत नीचे तक ये लगी है, मैंने ना रॉन्ग साइड से इसलिए डाली क्योंकि जितने भी हम जिप्सी वाले साइड साइड से निकल रहे, 4x4 इजिली निकल रही है, वहाँ पे ट्रैफिक काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप आगे देख सकते हो एक बस आ रही है, ठीक है, और पूरी ब्लैक आइस जमी हुई है भाई, बंदा आराम आराम से ला रहा है, आराम से लानी पड़ेगी, स्पीड में आएगा तो गया। तो यार अभी ना हम लोग सुलांग पहुंच गए, एक्चुअली काफी ट्रैफिक था इसलिए शूट नहीं कर पाया मैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, 2 घंटे के बाद सुलांग पहुंच गए, और एंजॉय करने के लिए आए हुए थे, मैं हूँ, चंदन है, करण है, हम तीनों आए हुए थे, तो यहाँ पे आगे थोड़ी सी एक्टिविटीज कर लेते हैं, हम जब भी आते ना एक्टिविटीज नहीं करते, तो ट्यूब स्लाइडिंग करे, और सबसे पहले चंदन आ रहा है भाई, हर कुछ फन होता है ये, बताया कई बार तो बंदे उड़ के भी जाते हैं, रिएक्शन देखो इसके, सिंगल में आएगा था 32 स्पेशल, यहां से बनती ना करे इस वाले पॉइंट से, यहां से नीचे को गिरा ही नहीं, चलो गया, थोड़ा और जोर से फेंकना चाहिए था, भर गया <बर्गया। laughs>
और कुछ पंचर ना हो यार, अगर स्पीड होती है थोड़ी और मजा आता है। तो यार अभी ना हम लोग निकल चुके हैं ऊपर को, ऊपर वाले ग्राउंड तक जा रहे हैं हम लोग, सोलांग वाले ग्राउंड तक, अभी नीचे ही थे फिर कहा। अच्छा ग्राउंड नहीं जा रहे, ऑफ रोड करने जा रहे हैं। बढ़िया, तो यार बढ़िया बढ़िया शॉट्स लेने के लिए हम लोग यहाँ आ गए। और इस साइड है पूरी पाउडर वाली बर्फ, ये देखो खुद चलने में दिक्कत हो रही है, ऊपर से मैं आ गया वहां स्पोर्ट्स शूज लगा के फंस गई है। नहीं चढ़ने वाली, लग नहीं रहा है मेरे को। नहीं 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 चढ़ने वाली, बोला टायर गंजे है। नहीं चढ़ेगी, हो गया पहली बात इतना ही था। ये पता क्यों नहीं चढ़ रही है, यहाँ देखो, ये देखो पाउडर है पूरा भाई, और पाउडर भी हर कुछ है यार, पाउडर में कभी नहीं चलती है यार। याद है शिंकुला, हम लोग गए थे शिंकुला में भी पाउडर था, इसलिए वहाँ पे नहीं चढ़ रही थी। और पहले दिन जब हम अंजनी महादेव के बर्फ पड़ी उस दिन भी वहाँ पाउडर था, और यहाँ भी पाउडर है। निकल गई ब्रेक मार, ब्रेक ही नहीं मार, हाँ ट्राई मार पक्का भाई। खड़ी इंक्लाइन था देखा, यहाँ देखो ये भी लंबा पूरा इंक्लाइन था ये। आजा आजा आजा, अभी के सीन जैसे है ना, घट में पहुंच गया था, फिर से मैं नीचे ला गया था पुंटो को लेके नीचे हाईवे तक। एक्चुअली ऊपर पार्किंग की भी प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर से कई बार इमरजेंसी होती है ना, तो उसको वशिष्ठ से निकाल नहीं सकते, तो मैं हाईवे में रख रहा हूँ उसको, मतलब थोड़े टाइम के लिए, जब तक मतलब बर्फ नहीं जाती है तब तक के लिए। और अभी गाड़ी नीचे लगाई है मैंने, और मेरे को शिवम मिल गया यहाँ पे। शिवम कहता मैं जिप्सी में छोड़ देता हूँ, और ना वशिष्ठ को जाते जाते गाड़ियाँ नहीं चढ़ रही भाई, ये भी फंस गई जिप्सी तक, फंस गई। कितनी गाड़ियाँ फंसी दिख रही, पूरी ब्लैक आइस जमी हुई है यहाँ पे ना, तो चढ़ नहीं रही है। यही रीज़न है कि मैंने पुंटो नीचे रखे हाईवे में, क्योंकि कई बार होता है इसमें कुल्लू जाना है ना, तो इमरजेंसी में अच्छी होती है यार, तो यहाँ पे पूरे में ब्लैक आइस जमी है। और शिवम आ गया, शिवम कहता मैं छोड़ देता हूँ, चलो बढ़िया। और शिवम हाउ आर यू, शिवम मिल गया था मेरे को रास्ते में यार, फिर कहाँ से है एक शिवम और ए पी चला जो, हम दोनों हाईवे हैं, हम दोनों हाईवे में लगाने वाले। यार पता क्या होता है, कई बार इमरजेंसी पड़ जाती है ना, तो निकाल नहीं पाते घर से, क्योंकि जिप्सी में कितना ट्रैवल करना है, कुल्लू जा रहा है तो जिप्सी में प्रॉब्लम होती है। पुंटो ठीक है उस चीज़ के लिए, तो मैंने कहा थोड़े टाइम के लिए, वैसे नए टायर है उसके, टायर अभी मैंने रिसेंटली डाले, 50 किलोमीटर चले शायद से, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना फालतू में, इसलिए हाईवे में रखी है, तो वहां से ले जाएंगे जब मतलब पुंटो अच्छी होगी, तो जिप्सी में आए, जिप्सी वहां खड़ी की और पुंटो ले गए, मतलब ऐसे चेंज करते रहे। और अभी तो मेन टास्क तो ये कि गाड़ियां ऊपर ले जानी है। तो गाइस घर पहुंच चुका हूं फाइनली अभी मैं, बाकी एक काम करते हैं आज के इस व्लॉग को ना हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं कल के एक फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस। गाइस बढ़िया ड्रिफ्टिंग हो रही है, in the moment, in the moment, love.